नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का एग्ज़ाम जो है आज समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स तक आपकी जो है कट ऑफ जा सकती है ग्रुप एक्स और वाई के लिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर आप जानने के लिए इच्छुक है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि कितने मार्क्स तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप अपनी राय मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता भी होगा कि आपका जो एग्ज़ाम था ग्रुप एक्स के लिए वो दोस्तों 70 मार्क्स का हुआ था, जिसमें आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश जो है और 25-25 मार्क्स की फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहे थे। इसी प्रकार दोस्तों, आपका वाई का भी एग्ज़ाम हुआ था 50 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स की आपकी रागा और 20 मार्क्स की इंग्लिश थी। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है और हर एक क्वेश्चन के सही उत्तर के लिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है उसका कोई भी मार्क्स न तो आपको दिया जाएगा न ही डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के लेवल की, किस प्रकार का लेवल था। तो दोस्तों, कैंडिडेट ने जहां तक मुझे पता है आपका जो है लेवल जो था वो मॉडरेट था। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश आपकी इजी टू मॉडरेट आ रही थी, रागा भी दोस्तों आपकी आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही थी। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स कह रहे थे कि थोड़ी सी टफ आ रही थी, और मैथमेटिक्स का लेवल जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो इस भी हाँ पर दोस्तों हमने जो है कट ऑफ आपके लिए तैयार की है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों आपके पासिंग मार्क्स की, क्योंकि पासिंग मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं आपके कट ऑफ में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आपने एक सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर दिया और दूसरे सेक्शन में आप पास भी नहीं हो पाए लेकिन आपके टोटल मार्क्स कट ऑफ से भी ज़्यादा हैं, तो दोस्तों आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो आपको ओवरऑल स्कोर चाहिए तीनों ही सेक्शन में, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ग्रुप एक्स के लिए और ग्रुप वाई में भी आपको दोनों ही सेक्शन में कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश में आपके जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, मैथ में जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, फिजिक्स में जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं वो लगभग 10 रखे गए हैं। जहाँ दोस्तों अगर आपने तीनों ही सब्जेक्ट में 10-10 से ज़्यादा स्कोर किया है तो डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं, लेकिन जो एक कट ऑफ जाती है वो इससे ज़्यादा भी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों रागा में जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं वो 15 मार्क्स रखे गए हैं, तो कम से कम आपको रागा में 15 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के आपके लिए कट ऑफ तैयार की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो है पिछली बार भी आपकी नेगेटिव मार्किंग थी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, और दोस्तों अब की बार भी नेगेटिव मार्किंग है और अब की बार जो कट ऑफ जा सकती है दोस्तों फेज़ टू के लिए जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो अराउंड 37-39 मार्क्स जा सकती है ग्रुप एक्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप एक्स के लिए आपकी 37 से लेकर 39 मार्क्स के बीच जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो वाई के लिए दोस्तों आपकी जो है कट ऑफ लगभग 35-37 मार्क्स तक रह सकती है। दोस्तों, ग्रुप एक्स टेक्निकल ग्रुप की फिर बता रहा हूँ मैं, 37-39 मार्क्स तक जा सकती है, और वाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल ग्रुप की 35-37 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ मैंने तैयार की है ये फेज़ टू के लिए की है, फाइनल कट ऑफ दोस्तों आपकी इससे ज़्यादा जाएगी, उस पर मैं आपको फिजिकल मेडिकल के बाद जो है एक कट ऑफ लेकर आ जाऊँगा। बाकी दोस्तों इसके अराउंड ही आपकी फेज़ टू की कट ऑफ जाएगी। अगर आपके मार्क्स जो है इसके अराउंड है, 1-2 मार्क्स नीचे हैं या फिर इससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। बाकी दोस्तों रिजल्ट आने पर सब आपको पता चल जाएगा। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी आपका दोस्तों विद इन 15 डेज आने की पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी दोस्तों आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एयरफोर्स से जुड़े पल पल के अपडेट्स मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।